दोस्तों पिज़्ज़ा तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ यह है MBA पिज़्ज़ा। आखिर ये MBA पिज़्ज़ा के पीछे का राज क्या है, आइए यहाँ के ऑनर से मिलते हैं और इनका अपन पिज़्ज़ा भी टेस्ट करेंगे कि उसका स्वाद कैसा है। आइए मेरे साथ। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम ईशान नाकरा है जी, और मैं कटनी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो सर आप और क्या क्या डिशेस यहाँ पे बनाते हैं? मेरे पास पहले तो बता दूँ कि मैं आटे का पिज़्ज़ा बनाता हूँ। अच्छा, आटे का पिज़्ज़ा जी, और तंदूर में बनाता हूँ लकड़ी की आँच में। तो ये तो काफ़ी डिफरेंट चीज़ कहला गई। हाँ जी, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि ये मैदे का इस्तेमाल होता है इनमें। और ओवन में बनता है। और ओवन में बनता है, लेकिन मेरे यहाँ प्योर आटे का है। ये बनाने का आपको कैसे आपके दिमाग में आया था? सर मैं सबका एक बचपन से ड्रीम होता है, किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। मेरे को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से MBA करना था। अच्छा अच्छा, बहुत सुना था मैंने बचपन से उसके बारे में कि लंदन में एक बहुत बड़ा कॉलेज है। अच्छा, जहाँ से लोग MBA करते हैं। यस, तो उस वक्त से ही दिमाग में बैठ गया कि ड्रीम बन गया कि एक MBA करना है और लंदन से करना है। अच्छा, तो किसी कारण से नहीं जा पाया, कुछ फैमिली क्राइसिस भी थे और कुछ चीज़ों की वजह से ना, एक डेस्टिनी होती है ना कि नहीं जा पाते। तो फिर धीरे धीरे करके होटल लाइन में आया कि कुछ फूडी तो था ही बचपन से। अच्छा अच्छा, एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था शुरू से ही, तो सोचा कि क्यों ना खुद बना के खिलाया जाए लोगों को। तो फूडिंग के लिए इसलिए होटल इंडस्ट्री में एंटर किया, पहले बेकरी से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे करके होटल्स में गया। अच्छा अच्छा, बेल बॉय की जॉब की, फिर धीरे धीरे किचन में आ गया, पेंट्री में आ गया, हाउसकीपिंग में आ गया, फ्रंट ऑफिस में आया। अच्छा अच्छा, फिर सोचा खुद का स्टार्ट करना। अच्छा अच्छा, तो बहुत सारे लोगों को टेस्ट कराया तो उनको भी उनने बोला कि रिकमेंड किया कि आप खुद का क्यों नहीं स्टार्ट करते, इतना अच्छा टेस्ट दे सकते हो। तो जी, तो फिर मैंने कहते ना कहीं से थॉट आ जाता है कि यार चलो ट्राई करके देखते हैं। जी जी जी, तो ट्राई किया, लोगों को बहुत प्यार मिला, फिर सोचा नाम क्या सोचें। अच्छा, नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यस, एक ब्रांड वैल्यू बना। यस यस, तो सोचा ये MBA करना चाहता था, पैशन से काम करूँगा। जी जी, तो फिर MBA नाम से ही स्टार्टअप किया। अच्छा अच्छा, तो ये है आपकी MBA की कहानी, आपकी शॉप की। 2017 से स्टार्टअप है। अच्छा अच्छा, और अभी तक इंदौर में हमारी टोटल तीन से चार ब्रांचें हैं। तो एक आप हमारे लिए भी बनाए, हम भी उसका टेस्ट लेंगे आपकी दुकान का। मैं आपके लिए MBA पिज़्ज़ा बनाऊंगा जो मेरा सबसे ज़्यादा फेमस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे दो आ चुके हैं, मैं इसमें पहले टॉपिंग लगाऊंगा। सर बताते जाइएगा आप इसमें क्या क्या मिला रहे हैं। ये टॉपिंग है मेरे यहाँ की होममेड, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई सॉस वॉस से नहीं बनी है। अच्छा अच्छा, ये प्योर टमाटोज एंड ऑनियन। अच्छा अच्छा, और आपका इटालियन हर्ब से बनता है। मैं इसमें कैप्सिकम डाल रहा हूँ। यस, फोर से जी, रॉ ऑनियंस, रॉ वेजिटेबल्स इसलिए डालता हूँ कि पिज़्ज़ा हैवी नहीं हो। जी जी, और आँच से डायरेक्ट पक जाए, मतलब कि दीवार जो गर्म होती है। यस, उससे डायरेक्ट पक जाए जी, और एक अच्छी सी फ्रेगनेंस आए उससे, जो मिट्टी की खुशबू होती है, लकड़ी की खुशबू होती है, तो उसका टेस्ट आना बहुत ज़रूरी है। इसे हम थोड़े से कॉर्न्स डालेंगे जी, और इसमें अपनी सीजनिंग्स। अच्छा, अब हम इसको मिक्स करेंगे कि वेजीज अच्छे से पक जाए, क्योंकि हमने कच्ची डाली है। बिल्कुल, तो जो हमारे मसाले हैं उनसे वो वेजीज अच्छे से पक जाए। देखिए टॉपिंग के साथ अगर वेजिटेबल्स का टेस्ट मिक्स होता है तो एक अलग ही फ्लेवर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, और तंदूर में पक रहा है जी, तो जी, बहुत हेल्दी है जी। अच्छा, ये पिज्ज़ा चीज़ है, ये मोज़ेला नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ ये बहुत लाइट होता है। अच्छा, ये हम इसके अंदर डालेंगे। और ये हमारा चला गया तंदूर के अंदर पिज़्ज़ा। कितना टाइम लगेगा सर इसको? देखिए जब तंदूर रेडी होता है तो 30 सेकंड्स में एक पिज़्ज़ा बनता है। अच्छा, तो सर ये बॉटलों में क्या क्या है आपके? ये मेरी ग्रेवीज हैं। अच्छा, जैसे अच्छा, केमिस्ट्री है, हिंदी है, मैथ्स है, अच्छा, फिजिक्स है। अच्छा अच्छा, P2D है, BSc है। इससे क्या रहता है, स्टाफ को याद रहती है ये सब चीज़ें जो सब्जेक्ट्स होते हैं। यस, तो बेसिक आप हर कोई पढ़ा होता है, ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको पता चल जाता है कि भाई किस में क्या डालना है, रेसिपी बुक है पूरी। अच्छा, तो उस हिसाब से मैं नहीं भी हूँ तो भी उनको टेस्ट दे सकते हैं जैसा मैं देता हूँ। अच्छा अच्छा, जैसे हाफ बेक हो गया जी, जी, अब हम इसे ऊपर रखेंगे कि थोड़ा सा क्रिस्पीनेस जी और बेक और अच्छे से पक जाए इसका। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, अब इसकी कटिंग की जा रही है, 4 पीस में इसको काट दिया गया है और हमारी प्लेट तैयार हो रही है।
ये कंप्लीट कंप्लीट तैयार। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी प्लेट रेडी हो चुकी है। जो इसका बेस था वो टोटल प्योर आटे का है। नॉर्मल पिज्जा आप देखते होंगे कि वो उसमें मैदे का इस्तेमाल होता है और ओवन की जगह इसका यहाँ पे भट्टी का इस्तेमाल हुआ है। इसमें अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है, फिर आपको बताते हैं। बेहतरीन, शानदार, बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है और हल्का सा इसमें जो क्रिस्पीनेस है वो काफ़ी अच्छी है। इसकी एक बाइट और लेता हूँ मैं। बेहतरीन। तो अगर आप इंदौर आते हैं तो मेघदूत गार्डन के पास है MBA पिज़्ज़ा, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। और मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।